तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। और अभी सोच रहे होंगे ये कौन सा पैरेट आ गया। अभी मेरा जो एलेक्स है वो अभी खाना खा रहा है। मैं आपको मिला रहा हूँ अपने प्यारे किट्टू से। किट्टू, और ये मेरे साथ लगभग 14 साल से है। ये हर बार अंडे दे देती है जो कि फीमेल है। बहुत छोटा सा था, मैं इसे लाया था। और ये होली से पहले 4 अंडे दे देती है, जो कि वो अंडे पूरी तरह से विकसित नहीं होते हैं, उसमें से बच्चे कभी नहीं निकलेंगे। जो कि जैसा कि आपने देखा कि मुर्गी पालने वाले जो कि मुर्गियां ढेर सारी रख लेते हैं, लेकिन वो अंडे भी देती है पर उसमें से बच्चे कभी नहीं निकलते। आप जब मेल के साथ मीटिंग नहीं होगी तो बच्चे नहीं निकलेंगे। आपके यहाँ भी कभी आपने तोता पाला है या तोती, तो अगर 2 साथ में रखेंगे तभी वो जो अंडे देंगे उसमें से बच्चे निकलेंगे, मेल एंड फीमेल। और अगर आप सिंगल तोती रखें, वो अंडे देगी, तो उसमें से बच्चे कभी नहीं निकलेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपका मेरे वीडियो, ज़रूर एक सब्सक्राइब करिएगा। और आप दुनिया के किस कोने से हैं, ज़रूर एक कमेंट करिएगा जिससे मैं आपको थैंक्स बोल सकूं। और ये मेरा प्यारा किट्टू है। किट्टू, ये बहुत शैतान पैरेट है, ये उछलता कूदता रहता है। कहीं भी रजाई वजाई में पता है, रजाई के अंदर घुस जाता है। इसलिए जब भी हम लोग सोते हैं तो ध्यान से सोते हैं। ये खुला भी रहता है घर में। ये देखिएगा, अभी रजाई में घुस जाएगा। ये कहीं भी जगह होगा पा गया। ये देखिए, ये गुस्सा गुस्सा, ये अरे रे 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 रे। बहुत कलाकार था। तो कहाँ चला जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है बेटा? ना चल, छोड़ दे, इधर आ, छोड़ो, यहाँ बैठो। ना बेटा, रजाई में नहीं जाएगा ना। अरे बेटा, क्या हो गया? कुछ तो नहीं है। आ जा यहाँ बैठते हैं, आ जा आ जा, यहाँ बैठेगा ना? चल बैठ जा यहाँ, इस पर नहीं बैठेगा? चल जाओ। अच्छा चलो, क्या हो गया किट्टू? किट्टू वहाँ कहाँ जा रहा है किट्टू? किट्टू, किट्टू कहाँ चला गया किट्टू? इधर आ, चलो इधर आओ, चलो किट्टू। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये रजाई के अंदर घुस जाता है, कहीं से भी निकलता है। इधर आ, चल इधर आ, इधर आ, बैठ। किट्टू कहाँ चला जाता है, रजाई के अंदर घुस जाता है? ना बेटा, कहाँ दिया ये अरे अरे, बड़ी तेजी से अंदर जाता है। ये कौन सी आदत डाल लिया बेटा तू, रजाई के अंदर घुस जाता है। भैया आप देख के सोना पड़ेगा, कहीं भी घुस जाता है। बेटा क्या हो गया बेटा? बेटा कहाँ रजाई में जा रहा, ठंडी लग रही है क्या? अरे अरे अरे, ना बेटा ना, नहीं नहीं बेटा नहीं। और जैसे कि अभी आपके तोते के पैर में, हाथ में, पर में कहीं भी चोट लग जाती है तो आप हल्दी डाल सकते हैं। हल्दी बहुत ही अच्छी दवा होती है। आपके अगल बगल जैसे डॉग होते हैं, कैट होती है, गाय होती है, उसे चोट लगती है तो आप हल्दी डाल सकते हैं। वरना आप अपने कहीं डॉग शॉप में या कहीं जाकर एक डी मैग आता है दवा, उसको ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी दवा है, आप उसे डालेंगे तो उसका जख्म जल्दी जल्दी भरेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो मैं परसों डालूँगा। और ज़रूर एक सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और एक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय दोस्तों।